Hello dear kids, how are you all? I hope you all are fit, fine and happy at your home. आज हमारा नया टॉपिक है Who did Patrick's homework? अब ये कहानी कैसी है इसको जानने के लिए हम चैप्टर पढ़ेंगे. Fine. So, Patrick never did his homework. Patrick ने अपना homework कभी नहीं किया. Too boring. He would say, वो कहता था, ये तो बहुत बोर है. बकवास लगता है, उसको बोरियत लगता था. Anyways, instead of doing his homework, मतलब अपना homework करने के बदले, he loved to play tag games and video games with other children in the street. Tag games means पकड़ाई खेलते ना अपन, वो गेम. तो उसको ये टैग गेम खेलना पसंद था और वीडियो गेम खेलना पसंद था जो उसके सड़क के पास रहने वाले जो बच्चे थे ना उनके साथ सड़क में. ठीक है. हिज टीचर्स ऑफन सेड, उसके शिक्षकों ने कई बार अक्सर कहा, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट गेट टू द नेक्स्ट क्लास. ऐसी धमकी हमको भी मिली है क्या कभी? नहीं नहीं, हम तो प्यारे बच्चे थे, है ना, हमें क्यों मिलेगी, हम तो अपना होमवर्क हमेशा करते हैं. तो पैट्रिक को उसके टीचर्स कहते थे कि तुम अपना होमवर्क करो नहीं तो अगली क्लास में नहीं जा पाओगे. इट वॉज सेंट पैट्रिक्स डे. ये एक सेंट पैट्रिक डे था. जैसे कि हमारे यहाँ गांधी जयंती होती है ना, तो वैसे ही पैट्रिक जिस देश में रहता था वहाँ पर कोई सेंट पैट्रिक डे हुआ करता था. पैट्रिक सॉ हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल. पैट्रिक ने देखा अपनी बिल्ली को एक छोटी सी डॉल के साथ, छोटी सी गुड़िया के साथ खेलते हुए. ही ग्रैब्ड इट अवे फ्रॉम द कैट. उसने उस बिल्ली को, उस छोटी सी गुड़िया को अपने पास छीन लिया. किसे? उस कैट से. टू हिज सरप्राइज, उसके आश्चर्य के लिए, इट वॉजंट अ डॉल एट ऑल. अरे ये तो बहुत आश्चर्य की बात है कि वो जो डॉल थी वो एक्चुअली डॉल थी ही नहीं, बट अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज. टाइनीस्ट मतलब बहुत छोटा, एक आदमी बहुत छोटे साइज का. द टाइनी मैन वोर अ लिटिल वूलन शर्ट विथ ओल्ड फैशन्ड ब्रीचेस. जो टाइनी मैन था उसने क्या पहन रखा था? एक वूलन शर्ट पहनी थी. ये देखिए, उसने एक वूलन शर्ट पहनी थी और ब्रीचेस पहने हुए थे, ओल्ड फैशन. वो भी ब्रीचेस मीन्स वो वाला पैंट जो घुटने से बस जरा सा नीचे होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज ऑन हिज हेड. ही हैड अ टॉल पॉइंटेड हैट मच लाइक अ विचेस. उसने अपने सर पे एक नुकीली और लंबी, देखो टॉल पॉइंटेड यानी लंबी और नुकीली, एक हैट टोपी पहनी हुई थी जो बिल्कुल किसकी तरह थी? विच की तरह थी. द टाइनी मैन वॉज इन फैक्ट एन एल्फ. और बल्कि वो जो छोटा सा आदमी था वो क्या था? एक एल्फ था. एल्फ और विचेस, दैट मीन्स वो जादुई किरदार जो छोटे साइज के होते हैं या फिर उनमें एक जादू होता है. हमने कई बार कहानियों में सुना है, कार्टून्स में देखा है, ये उनकी बात हो रही है. ओके, सेव मी, येल्ड द एल्फ. बचाओ मुझे, उस एल्फ ने चिल्लाया. डोंट गिव मी बैक टू द कैट. मुझे प्लीज उस कैट को मत देना. किसने कहा? एल्फ ने कहा कि मुझे उस कैट को दोबारा मत देना. आई ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हें एक विश देता हूँ. प्लीज बिलीव मी, मुझ पर यकीन करो. दिस इज माई प्रॉमिस, ये मेरा वादा है. पैट्रिक कुडंट बिलीव दैट ही कुड बी सो लकी. पैट्रिक को इस बात का यकीन ही नहीं हुआ कि वो इतना लकी हो सकता है. हियर वॉज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम्स. यहाँ पे उसकी सारी समस्याओं का हल था. सो ही सेड, तो उसने कहा, ओके आई वॉन्ट गिव यू बैक टू द कैट इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द टर्म. मैं तुम्हें उस बिल्ली को नहीं दूंगा अगर तुम मेरा सारा का सारा होमवर्क करते रहोगे. कब कब तक? इस टर्म के एंड होने तक.
इट इज़ ओनली 35 डेज फ्रॉम नाउ, अब ये सिर्फ यहाँ अब से 35 दिन बाकी है टर्म को ख़त्म होने में. If you do the job really well, I could even get A+. अगर तुम ये काम बहुत अच्छी तरह से कर लेते हो तो मुझे A+ भी मिल सकता है. The little man's face wrinkled like a dish cloth. उस छोटे से आदमी का जो चेहरा था वो सिकुड़ गया और उसमें रिंकल आ गई. रिंकल मीन्स होता है चेहरे की वो लाइन्स, बिल्कुल किसकी तरह, एक बर्तन धोने वाले कपड़े की तरह. ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट्स. उसने अपना पांव जोर से झटका और डबल हिज फिस्ट. डबल्ड मीन्स यहाँ पे दिस इज कॉल्ड फिस्ट. उसने अपना पांव झटका और जोर से ऐसे मुट्ठी को मारा. ही ग्रिमेस्ड and scolded and pursed his lips. That means उसने अपना चेहरे में एक बुरा सा गुस्से टाइप का और थोड़ा सा उदास टाइप का भाव लेकर आया. Grimace means गुस्से वाला expression. Scold means गुस्से के साथ घूर के देखना. Pursed his lips. Pursed means वो मम्मी वाला पर्स नहीं होगा यहाँ पे. दैट मीन्स उसने अपने होठों को जोर से कस लिया गुस्से में. जैसे हम पूरा चेहरा बनाते हैं ना, वो सारे एक्सप्रेशंस के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्म किया गया है आपको. ओ आई एम कर्स्ड, अरे मैं तो श्रापित हूँ, ही सेड, उसने कहा. बट आई हैव प्रोमिस्ड एंड नाउ आई डू इट. लेकिन मैंने वादा किया है इसलिए मैं अब करूँगा. एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, और अपने कहे हुए शब्दों के को सच करते हुए, द लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क. बट उस छोटे से एल्फ ने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू किया. लेकिन क्या हुआ, देयर वॉज वन ग्लिच. द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो वॉट टू डू, सो ही नीडेड हेल्प. लेकिन यहाँ पर एक ग्लिच मीन्स एक छोटी सी समस्या थी. देयर वॉज वन ग्लिच, यहाँ पर एक समस्या थी. द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो, एल्फ को हमेशा ये नहीं पता होता था कि वॉट टू डू, करना क्या है. सो ही नीडेड हेल्प, तो उसको मदद की ज़रूरत थी. हेल्प मी ही वुड से, वो कहता था मेरी मदद करो. एंड पैट्रिक हैड टू हेल्प हिम इन वॉट एवर वे, और पैट्रिक को उसकी हेल्प हमेशा ही करनी पड़ती थी चाहे कैसे भी हो. आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड. मुझे नहीं पता इस बारे में कुछ, मुझे ये शब्द नहीं पता है, ऐसे करके एल्फ हमेशा चिल्ला चिल्ला कर उससे कहता था. वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब वो पैट्रिक का होमवर्क पढ़ता था. गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी ला के दो. No, what's even better? Look up the word yourself and sound it out by each letter. No, what's even better? नहीं, मतलब डिक्शनरी तो वो मांगता था, फिर वो कहता था कि अरे नहीं, इससे बेहतर तो ये है कि तुम खुद देखो ये क्या लिखा है और मुझे हर एक लेटर के बारे में बताओ. When it came to maths, जब ये गणित की बात आई, पैट्रिक वॉज ऑल द मोर कन्फ्यूज्ड. अब तो पैट्रिक और ज़्यादा कन्फ्यूज हो गया. ही वॉज नो गुड एट कैलकुलेशंस एंड मल्टीप्लीकेशन टेबल्स. वो मैथ्स में बिल्कुल अच्छा नहीं था, उसको कैलकुलेशंस भी नहीं आते थे और मल्टीप्लीकेशंस भी नहीं आते थे. वॉट आर टाइम्स टेबल, एल्फ श्रेक्ट. अब एल्फ को तो कुछ भी नहीं आता था, तो एल्फ हमेशा गुस्से से चिल्लाता था कि अरे अब ये टाइम टेबल क्या है यार. वी एल्व्स नेवर नीड सच थिंग्स. हम जो एल्व्स हैं, हमको तो ये सब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, वी नो नथिंग ऑफ दीज. अब उसने बताया
कि ना तो उसको जोड़ना आता है, ना घटाना आता है, ना भाग देना आता है और ना ही गुणा करना आता है। ये सब चीज़ें हमको कुछ पता ही नहीं है। हियर सिट डाउन बिसाइड मी एंड हेल्प मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। तो उसने पैट्रिक से कहा कि तुम यहाँ पर बैठ जाओ मेरे साइड में और मेरी मदद करो, और तुम मुझे सारा कुछ बताओगी कैसे करना है, मुझे गाइड करो तो मैं तुम्हारा होमवर्क करके दूंगा। सो पैट्रिक हैड टू गाइड द एल्फ इन सॉल्विंग ऑल हिज प्रॉब्लम्स इन मैथ्स ऑल्सो। अब पैट्रिक को तो बैठना ही पड़ा। पैट्रिक ने बैठकर सारे के सारे मैथ्स के प्रॉब्लम्स को उसके साथ सॉल्व किया, उसकी हेल्प किया करने में। एंड देन द लेसन्स इन हिस्ट्री हैड टू बी डन। अब उसके बाद हिस्ट्री का लेसन भी कंप्लीट करना था। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट्स अ मिस्ट्री, सेड द एल्फ। अब एल्फ ने क्या कहा कि हम जो एल्व्स हैं हमको कुछ नहीं पता इंसानों के इतिहास के बारे में, ये इतिहास हमारे लिए मिस्ट्री है। मिस्ट्री है मींस दैट मींस कुछ ऐसी बातें जिन्हें ना तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ना ही जिनके बारे में हमें कुछ पता होता है। एंड इन हिस्ट्री ऑल्सो पैट्रिक हैड टू डू ऑल द रीडिंग एंड राइटिंग हिमसेल्फ। अब हिस्ट्री में भी पैट्रिक को सब कुछ पढ़ना भी और लिखना भी खुद से करना पड़ा। द लिटिल एल्फ हैड ऑलरेडी बिकम अ शाउटर, बट नाउ ही गॉट इवन लाउडर। एल्फ जो था, छोटा सा है एल्फ, वो पहले से ही शुरू से ही गुस्से गुस्से में चिल्ला चिल्ला के चिड़चिड़ के उससे बोलता था कि मुझे ये करवा दो, मुझे वो करवा दो, मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझसे तो नहीं बनता। लेकिन अब वो और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा। क्या बोलने लगा देखिए, गो टू द लाइब्रेरी ही रोड। उसने गुर्रा के कहा कि लाइब्रेरी जाओ, गेट मी बुक्स, मेरे लिए बुक लेकर आओ, मोर एंड मोर बुक्स, बहुत सारी किताबें और सारी किताबें। एंड नाउ यू कैन हेल्प मी रीड देम ऑल्सो, और अब तुम बैठ के मेरी हेल्प भी करो इसको पढ़ने में। इन फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे, बल्कि हर दिन और हर तरीके से द लिटिल एल्फ बिकेम मोर एंड मोर ऑफ अ नैग। हर दिन और हर तरीके से वो धीरे धीरे और ऐसा इंसान, ऐसा एल्फ बनता गया जो हमेशा सिर्फ किसी की गलतियां निकालता है। पैट्रिक हैड टू वर्क हार्डर देन एवर। अब पैट्रिक को पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। एंड ही हैड टू स्टे लेट एट नाइट्स, एंड ही हैड टू स्टे अप लेट एट नाइट्स। अब वो उसको रात को देर तक जागना भी पड़ता था। ही हैड नेवर फेल्ट सो वियरी। उसको कभी भी इसके पहले इतनी थकावट नहीं फील हुई। Every day, हर दिन, he went to school with his eyes puffed and bleary. अब वो हर दिन जब स्कूल जाता था तो उसकी आंखें कैसी होती थी? Puffed. Puffed means थोड़ी सी फूली हुई, और bleary means that means उसको ठीक से अच्छे से नजर नहीं आता था क्योंकि आंखें ठीक से खुल नहीं पाती थी। Finally, the last day of school arrived. अब आखिरकार स्कूल का आखिरी दिन आ गया। And the elf was free to go. और अब elf पूरी तरह से free था जाने के लिए। As for homework, homework के लिए there was no more to be done. कुछ नहीं था करने के लिए। So he quietly and slyly slipped out of the back door. अब वो चुपके से, जल्दी से और चुपके से, slyly means चुपके से, और वो भी शातिर तरीके से पीछे के दरवाजे से निकल गया। पैट्रिक गॉट ए प्लस फ्रॉम ऑल हिज टीचर्स। अब पैट्रिक को ए प्लस मिला उसके सारे शिक्षकों की तरफ से। एंड ही वॉज सो हैप्पी। अब वो बहुत खुश था। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड। उसके क्लासमेट्स बहुत आश्चर्यचकित हो गए। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज फॉर हिम। उसके शिक्षकों को बहुत खुशी हुई, उन्होंने मुस्कुराया और उसकी बहुत तारीफ की। एंड हिज पेरेंट्स वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिम। और उसके पेरेंट्स को इस बात का आश्चर्य हुआ कि आखिर अचानक ऐसा हुआ क्या। सो ये कहानी थी पैट्रिक की।
आई होप आप सभी बच्चे अपना होमवर्क खुद करते हैं किसी एल्फ की ज़रूरत के बिना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू।